हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूपे। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है राजा विक्रमा। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको सब क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में, और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा एक्शन रोमांस। और इस मूवी को IMDb 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 83% के स्कोर दिए। भाई इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना भाई, मूवी की रेटिंग भले ही हाई है लेकिन यह मूवी उस लेवल की नहीं है। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है, श्री साई प्लाइन है। और इस मूवी कास्ट में आपको बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल जाएंगे जैसे कार्तिकेय, साई कुमार, हर्षवर्धन, तान्या, पशुपति, सुधाकर और टोनी कला। और ये मूवी भाई एक एवरेज मूवी होने वाली है। और भाई इस मूवी की स्टोरी ना भाई किसी भी एंगल से यूनिक नहीं लगती, और मूवी में भाई आपको कुछ ज्यादा नया देखने को नहीं मिलेगा। और इस मूवी की स्टोरी पे ना भाई ठीक से काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ना ये मूवी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बोर करेगी, और मूवी से कनेक्ट होने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर मूवी के एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो भाई मूवी के एक्शन सीक्वेंस बहुत बढ़िया है। और अगर इस मूवी के प्रेजेंटेशन की बात करें तो भाई इस मूवी का प्रेजेंटेशन एवरेज कह सकते हो आप। और मेरी इस मूवी को लेकर ना एक्सपेक्टेशन बहुत थी, लेकिन भाई इस मूवी को देखने के बाद ना भाई कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। और भाई मूवी अपने प्लॉट को लेकर सीरियस नहीं होती है, और भाई ये पूरी मूवी ना किलिंग और एक किडनैपिंग के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर कार्तिकेय की एक्टिंग की बात की जाए ना तो भाई उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, और जिस तरह भाई वो डायलॉग डिलीवरी करते ना भाई देख के मजा आ जाता है। और इस मूवी में ना भाई आपको किसी भी तरह का सस्पेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इस मूवी का प्लॉट पे आना तो इस मूवी में भाई आपको कार्तिकेय का कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो एक NIA ऑफिसर है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि भाई कुछ लोगों ने ना हथियार खरीदे हैं, और वो जो हथियार खरीदे हैं ना वो एक मिनिस्टर को मारने के लिए है। लेकिन जब NIA को पता चलता है ना कि ये एक मिनिस्टर को मारने वाले, तो वो मिनिस्टर को नहीं बताते कि आपकी जान खतरे में। कैसे भाई उनके सीक्रेट तरीके से ना जासूसी की जाती है, उनको हर लेवल पे ना भाई सेफ जोन में रखा जाता है। और लास्ट तक जो कार्तिकेय की टीम है ना भाई वो मिनिस्टर को बचा पाएगी या नहीं, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये पूरी मूवी ना भाई 2.5 घंटे के आसपास होगी। नेसेसरी भाई कुछ सीन को ना बहुत खींचा गया है, जिसकी वजह से ना ये मूवी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बोर करेगी। और अगर इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इस मूवी में जो साईराम का जो कैरेक्टर ना वो आपको मिनिस्टर के तौर पे देखने को मिलेगा। और इस मूवी में जो कार्तिकेय का कैरेक्टर है वो एक NIA ऑफिसर है, जो भाई बहुत ही स्मार्ट है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, लेकिन वो हमेशा ना भाई खाने के ऊपर तुला रहता है, और इसी बात से ना भाई इसका सीनियर हमेशा इससे चिढ़ा रहता है। और मूवी में भाई आपको सुधाकर का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, जो एक पुलिस ऑफिसर है, और भाई उसको रखा गया है मिनिस्टर की सेफ्टी के लिए, और वो उसका एक बॉडीगार्ड है। और अगर ताने के कैरेक्टर की बात करें ना, तो वो मिनिस्टर की बेटी है, और उसको ना डांस बहुत पसंद है, और उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, और उसे ना भाई अपनी मम्मी और पापा की फर्स्ट गाड़ी से ना भाई बहुत प्यार होता है। और मूवी में भाई आपको पशुपति का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो ना एक नक्सलवादी है, और वो भाई मिनिस्टर को क्यों मारना चाहता है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, और मिनिस्टर ने ऐसा क्या गलत किया है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर हर्षवर्धन के कैरेक्टर की बात करें ना, तो ये कैरेक्टर भाई मुझे मूवी में सबसे बढ़िया लगा है। और ये ना भाई इंश्योरेंस बेचता है, और इसका एक ड्रीम होता है मैनेजर बनने का। और कैसे भाई ये 1 करोड़ की पॉलिसी भाई किसको बेचता है, वो सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी के बैसिंग की बात की जाए ना, तो इस मूवी में आपको कार्तिका का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो केस के दौरान ना भाई एक पर्सन से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है बंदूक लेके, लेकिन भाई वो जैसे साइड में जाता है ना और चिप खोलने के लिए भाई जैसे पैकेट खोलता है, और वैसे भाई गन चल जाती है, और वो जो पर्सन होता है ना ऑन द स्पॉट मर जाता है। भाई वाला सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट लगा है। और भाई इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं, तो भाई ये मूवी उस लेवल की है नहीं, लेकिन एक बार तो आप इस मूवी को विजिट कर सकते हो। इस मूवी में कोई गाली गलौज कोई एडल्ट सीन नहीं है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना इस मूवी को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपने देखी है तो भाई आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।